मैं अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सके, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चल। अब्बा के पास इतने पैसे? अब आपने घर क्यों बेच दी? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में मेड इन पाकिस्तान एंड बिलीव इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ, पावर्ड बाय मॉडर्न स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा ही आपके साथ ऐसे स्टार्स की मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खिदमत सर अंजाम दी होती है, बल्कि अपनी फील्ड में और अपने शोबे में एक आला मुकाम सर अंजाम दिया होता है। आज मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है। यकीन मानिए कि आज पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है, एक तो ऑन द रिकॉर्ड मैं बताऊँ, आज मेरी 101 एपिसोड होने जा रही है इस प्रोग्राम की, और पहली मरतबा ऐसे हो रहा है मेरे साथ कि मैं अल्फाजों का चुनाव जो है ना वो बहुत एहतियात से कर रहा हूँ, क्योंकि ये तब ऐसा होता है जब आपके सामने वाली जगह पे एक ऐसी शख्सियत बैठी हो जो कि एक बहुत आला मुकाम पर फाइज हो। आज मेरे साथ भी ऐसा है। ज़िंदगी में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके मुतलक आप सोचते हैं, समझते हैं, और उनको आप तख्लीकी तौर पर उनसे मिलने की काविश में रहते हैं। अगर मैं रूहानियत की बात करूं तो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि रूहानी तौर पर मैं तारिक अजीज साहब को अपने उस्ताद मोहतरम की जगह समझता हूं, लेकिन उनके बाद अगर कोई शख्सियत है जिनके साथ मिलना मेरा एक ख्वाब भी था और जिनसे पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर था और हूँ, और जिनको सीखते सीखते मैं इस फील्ड में आया, और आज अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों के सामने मैं ख्वाबों से तबीयत तक के इस सफ़र में हूँ और अपनी मंजिल की तरफ गामजन हूँ। मेरे उस्तादों की जगह पर है, मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, बाबा सहाफ़त कहूँ उनको मैं तो ये गलत नहीं होगा, दिल से कह रहा हूँ, और अगर मैं उनका तारफ कराऊँ तो उसके लिए मेरे पास अल्फाज शायद कम पड़ जाए। मुख्तसर इतना कहूँगा, मेरे साथ आज की नशस्त में सुहेल वराइज साहब मौजूद है जो कि किसी तारफ़ के मुख्ताज नहीं, वन एंड ओनली पाकिस्तान की पहचान। अगर दुनिया में अगर मैं किसी जगह साउथ अफ्रीका में भी गया, मोजम्बिक में, जैम्बिया में भी जाना मेरा हुआ है, और GCC कंट्रीज़ में भी, तो वहाँ लोग दो चीज़ों का मैंने देखा है कि दो चीज़ों का लोगों को पता है, एक नुसरत फ़तेह अली खान की क्वालियों का, उनके म्यूज़िक का, और दूसरा सुहेल वराइज साहब का। मैं प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ आज इस यानी कि कोशिश में रहते हुए कि काश मैं भी इनकी तरह इनको फॉलो करते हुए आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, आगे मैं सफ़र में चलता रहूँ। तो उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको पसंद आएगी, ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में सुहेल वराइज साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय शो ख्वाबों से तबीर तक इस सफ़र में मेड इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ, पावर्ड बाय मॉडर्न स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। सुहेल साहब, जैसा कि मैंने अपने तारफ में बताया कि आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है कि एक ऐसी शख्सियत के सामने हूँ मैं जिसको मैं बहुत देर से फॉलो करता था। बहुत शुक्रिया। आपकी चाहे वो ड्रेसिंग हो, चाहे आपके बोलने का स्टाइल हो, उसको कॉपी करते करते मैं भी यहाँ तक पहुँच गया। मेहरबानी जी, बड़ी आपकी अनायत है, बहुत अच्छे। तो मैं समझता हूँ आप मेरे उस्तादों में से हैं। नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी। तो सुहेल भाई, मेरा चूँकि फॉर्मेट है ख्वाबों से तबीर तक, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, मेरे व्यूज जानना चाहेंगे कि सुहेल साहब का माजी तो पता ही सबको, बचपन कहाँ से शुरू होता है, और लाहौर में जब पहुँचे आप तो किन किन फेसेस से गुजर के यहाँ तक आप पहुँचे हैं, थोड़ा सा माजी के जुड़ों में। मैं एक आम से जो टाट स्कूल है उसमें पढ़ा हूँ, ठीक है, और पहले मैं टेक्निकल हाई स्कूल जोराबाद, जौहर मेमोरियल हाई स्कूल जौराबाद, फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल बलवाल यहाँ पढ़ा हूँ, वहाँ से मैट्रिक किया, फिर गवर्नमेंट कॉलेज सरगोधा से मैंने FSC की, और फिर मैं लाहौर पहुँचा, फिर FC कॉलेज में दाखिला लिया, BSc में,
यहाँ पे मैं फोलियो का एडिटर रहा जो कॉलेज मैगजीन का, इससे पहले गवर्नमेंट कॉलेज सरगोधा में भी मैं ज़िया बार का असिस्टेंट एडिटर रहा जो कॉलेज का मैगजीन था। तो इस तरह से है सफ़र जो है। फिर मैं बाद में मैंने एमए इंग्लिश में दाखिला लिया पंजाब यूनिवर्सिटी में, वहाँ भी मैं एडिटर रहा अपने मैगज़ीन का जो कॉलेज डिपार्टमेंट का मैगज़ीन था। तो इस तरह से कुछ ना कुछ अदबी सरगर्मियाँ, कुछ ना कुछ समाजी एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़, इनके साथ करते करते हमने तालिबे इल्मी का ज़माना गुजारा। शेर साहब, आप तो CSS कर रहे थे, तो CSS और जर्नलिज्म दोनों ये खुला तजाद ही तो है ना कि नहीं? जी बेसिकली मैं CSS करना चाहता था, मैंने एमए इंग्लिश इसीलिए किया था, लेकिन हुआ ये कि जब मैं एमए का इम्तिहान दिया तो उसके बाद सोच आई कि तैयारी के लिए अखबार का दफ्तर ज्वाइन करना चाहिए। तो बस अखबार के दफ्तर में गया तो फिर मेरा जो CSS पे यकीन था वो डगमगा गया, और मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपना कैरियर जो है वो इसी को अखबार को बनाऊंगा। मुझे ये इतनी जर्नलिज्म अच्छी लगी, मेरा दिल लग गया इस पर, फिर बस मैंने किसी और तरफ नहीं देखा, फिर CSS का इम्तिहान दिया ही नहीं मैंने। सर जर्नलिज्म क्या अच्छा लगा, जर्नलिज्म थोड़ा सा बताइएगा। मुझे इसका लाइफस्टाइल अच्छा लगा, मुझे इसके इसमें रहना अच्छा लगा, लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, लोगों को शऊर देना, ये अच्छा लगा। क्योंकि सर उस दौर की जर्नलिज्म में और अब की जर्नलिज्म में तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, आपको बताया। तब तो उस वक्त सहाफ़ी के साथ तो कोई शादी भी नहीं होती थी किसी की, नहीं हमारे ज़माने में बेहतर हो गया था, नए लोग आने शुरू हो गए थे और एमए के अलावा लोग नहीं आते थे, तो शुरू हो गया था, बेहतर ज़माना शुरू हो गया था। तो हमारे ज़माने में कैरियर तो शुरू हो गया था, इसकी तनख्वाह जो है ग्रेड 17 के बराबर ही होती थी, तो कैरियर तो अच्छा हो गया था, लेकिन इतना पैसा नहीं आया था जितना फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया मुशर्रफ साहब के ज़माने के बाद हुआ। तो सर जर्नलिज्म में तो बहुत सारी कुर्बानियाँ भी देनी पड़ी होती है, पड़ती हैं, पड़ी होंगी, यकीनन आपने दी होंगी। कोई एक दो चीज़ें जिसके ऊपर आपने सेक्रीफाइस ना किया अब तक? मुझे पता है आप अपनी मिसाल खुद है, कभी आपने कोई इस तरह के, यानी कि प्लीज़ थोड़ा सा बताएं। जी गुजारिश यह है कि मुश्किलात तो आती हैं, कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। एक तो ये थी कि शुरू में जब ये चॉइस की तो मुझे पता था ये कोई बड़ी पुरतायश ज़िंदगी नहीं होगी, बड़ा कठिन रास्ता होगा। तो इस कठिन रास्ते का इंतखाब किया, सोच समझ के किया कि ये कोई ऐसा नहीं होगा कि इसमें आपको बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजारनी होगी, यही पता था मिडिल क्लास ज़िंदगी होगी, लेकिन वही ऑप्ट किया। लेकिन फिर बाद में अल्लाह ताला ने इसमें ही बहुत कुछ डाल दिया। बाकी जनरल ज़िया के दौर में मुश्किल पेश आई, मैं उस ज़माने में कॉलेज में पढ़ाता भी था, तो मेरी ट्रांसफ़र तौसा कर दी गई, मैंने एक ख़बर दी थी तो उस ख़बर के बदले में पादाश में मेरी ट्रांसफ़र तौसे कर दी गई। फिर जनरल साहब की डेथ हुई तो उसके बाद मैं वापस लाहौर आया, तो उस ज़माने में मुश्किलात पेश आईं। तो मुश्किलात का तो ज़माना आता रहता है, फिर चला जाता है, आजकल निस्बतन बेहतर है। सुहेब भाई, आप ख्वाबों के ऊपर यकीन रखते हैं, और जो बचपन में जो ख्वाब देखे थे क्या उनकी तबीयत मिल गई, उससे सेटिस्फाई? उससे ज़्यादा बेहतर हुआ है, जो सोचा था उससे, सोच से बेहतर चीज़ें मिली हैं, यानी कि आप सेटिस्फाई? मैं बहुत सेटिस्फाई। सुहेब साहब ये बताइएगा कि आने वाले दिनों में सहाफ़त को, पाकिस्तानी जर्नलिज्म को कहाँ देखते हैं आप? मेरा ख्याल है इससे बेहतर मकाम होगा इसका, आहिस्ता आहिस्ता मैच्योरिटी भी आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता हम लर्न भी कर रहे हैं, सीख रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि स्टैंडर्ड्स और हाई हो जाएंगे और बेहतर होगा हमारा भी, एक वक्त में जिस तरह BBC या इस तरह के दुनिया के नामवर अदारे हैं उस तरह का मयार हो जाएगा इंशाल्लाह। सो ये सब असल पहचान मैं समझता हूँ जर्नलिज्म के हवाले से तो है ही, लेकिन जब जियो आपने ज्वाइन किया और एक फेमस प्रोग्राम जिसको आपने, जिसकी मेज़बानी करते करते यहाँ तक पहुँचे आप, तो दुनिया में ज़्यादा मैं समझता हूँ आपकी आइडेंटिटी जो है उस हवाले से जानी जाती है, तो उस प्रोग्राम के हवाले से थोड़ा सा बताइए कि अब तक कितनी उसकी एपिसोड्स हो चुकी है, कितने प्रोग्राम हो चुके हैं, वो आइडिया क्या था, यानी कि आपकी अपनी तख्लीक थी, सोच थी उसके पीछे कार्बन? नहीं, उसमें एक कलेक्टिव सोच थी, मेरा भी बीच में कंट्रीब्यूशन था, लेकिन एक कलेक्टिव सोच थी। अब तो मेरा ख्याल 500 के करीब एपिसोड्स हो चुकी हैं, और अब तो हमें 22 साल हो गए करते हुए, 22 ईयर्स माशाल्लाह।
सुहेल साहब, उसके लिए भी आप थोड़ा सा तैयारी करते हैं जाने से पहले, यानी कि जिस पर्सनैलिटी से मिलना होता है तैयारी करनी पड़ती है, उसका पूरा पढ़ना पड़ता है, उसकी रिसर्च की जाती है, उस पर क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, उस पर फिर आपस में डिस्कशन होती है, फिर उसके बाद जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ख्वाबों से तबीर तक का ये सफ़र सुहेल वराई साहब के साथ। इस टाइम हम एक लेंगे स्मार्ट सा ब्रेक, मिलते हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। के बावजूद मैं समझता हूँ कि नहीं, मियाँ साहब को भी हक देना चाहिए, वो भी इलेक्शन लड़े, उनके खिलाफ फैसलों के बायस्ड डिसीजन आए हैं, तो इसलिए मैं अगर कोई इस पर इल्ज़ाम लगाता है तो लगाता रहे। मैं वेलकम बैक नाज़रीन, ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में आपको खुश आमदेद। सुहेल वराई साहब मेरे साथ मौजूद है, किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं उनके लिए। सुहेल साहब ये आपके घर पे ये लाइब्रेरी बनी हुई है और ये सारा बड़ा अच्छा एटमोसफियर है, तो ये आपकी असल जो आप सोचते हैं, जो प्लान करते हैं तख्लीकाती तौर पर, तो यहाँ पर वो ज़्यादा टाइम गुजरते हैं आपका? या मेरा ज़्यादा टाइम जितनी देर में या रेस्ट करने अपने बेडरूम में होता हूँ, या जब काम करना होता है तो इस कमरे में, या पढ़ना होता है लिखना होता है तो यही मेरा वर्किंग रूम है, तो किताबें भी यहीं बैठ के लिखी हैं। तो सर अब तक कितनी किताबें आपने लिखी, थोड़ा सा बताइए। 10-12 किताबें आ चुकी हैं। 10-12 किताबें, और एक बुक वो भी थी जिसके ऊपर शायद वो बहुत ज़्यादा तर्जात थे, वो उठा ली गई थी मार्केट से, वो थोड़ा सा बताइए कि इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। जी बस वो उसका टाइटल जो था वो उस पर जनरल बाजवा की तस्वीर भी थी और इमरान खान की तस्वीर भी थी, तो उस पर ये कंपनी नहीं चलेगी, उसका ये कंपनी नहीं चलेगी बिल्कुल, तो उस पर फिर एतराज़ हो गया था, फिर वो फटा हो गया, फिर उसका टाइटल हमने चेंज किया, फिर उसके बाद उसको मार्केट किया और वो सॉल्व हो गया ऐसा इशू। जी सॉल्व हो। अच्छा ये अमूमन एक राय है सुहेल साहब, कहा जाता है कि आप ये जो है मुस्लिम लीग नून स्पेशली मियाँ साहब उनके लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, जबकि दूसरी जो जमातें हैं जैसे पीटीआई की आजकल बात करें उसके लिए थोड़ा सा आपके लिए थोड़े से बाज़ दफ़ा। नहीं ऐसा नहीं है, मेरे लिए तो सब बराबर है, बल्कि क्योंकि जर्नलिज्म यही है, सब बराबर है। मुस्लिम लीग नून ने तो बल्कि मुझे एक दफ़ा जंग से निकलवाने की कोशिश की थी, वो रिकॉर्ड पे है कि सैफुररहमान साहब ने और नवाज शरीफ ने जिन 15 सहाफ़ियों को निकलवाने की कोशिश की, मैं उनमें शामिल था। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि नहीं, मियाँ साहब को भी हक देना चाहिए, वो भी इलेक्शन लड़े, उनके खिलाफ फैसलों के बायस्ड डिसीजन आए हैं, तो इसलिए मैं अगर कोई इस पर इल्ज़ाम लगाता है तो लगाता रहे। मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के भी बहुत करीब था जी, जी तो उनके भी मैंने बहुत इंटरव्यू किए, उन पर भी किताबें लिखी, तो इमरान खान साहब से भी मेरे बड़े अच्छे तलकात हैं, उनसे भी मुलाकात होती रहती है, अभी रिसेंटली उनसे एक बड़ी लंबी चौड़ी मुलाकात हुई, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन लोग कहते रहे जो मर्जी कहना, शायद लाहौरी होने के नाते ज़्यादा थोड़ा सा लोग असर ले रहे नहीं, लेकिन उनके साथ भी मियाँ साहब से भी अच्छे तलकात हैं, होने चाहिए, हर सहाफ़ी के अच्छे तलकात होने चाहिए ताकि एक्सेस हो, आप उनके बारे में जान सकें, तबसरा कर सकें। सुहेल साहब आपका ये जो महसूस स्टाइल है जो प्रोग्राम में होता है आपका, इसको बहुत सारे लोगों ने, हम जैसे लोगों ने कॉपी किया, जो मैं समझता हूँ कॉपी होनी भी चाहिए, ठीक है, तो आप समटाइम देखते हैं तो आपको कैसा फील होता है ये 22 साल का सफ़र अचानक से गुजर गया? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है जी, बड़ा अच्छा लगता है कि एक चीज़ जो है लोगों ने उसको फॉलो किया है, लोगों को पसंद आई है और लोग उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये इजी काम नहीं है, ये काम मुश्किल है, काम मुश्किल है। सुहेल साहब आपका लाइफस्टाइल कैसा है थोड़ा सा बताइए लोग, क्योंकि ये रवायती बात नहीं है, लोग जानना चाहते हैं अपने स्टार, क्योंकि आप ही स्टार हैं हमारे, तो थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल बताइए सुबह से लेकर रात तक, मुमकिन क्या किस तरह से आप? मियाँ साहब इसमें गुजारिश यह है कि सुबह उठते ही अखबारात आ जाते हैं, हमारा काम जो है सहाफ़ियों का अखबारात से शुरू होता है, सुबह 8-10 अखबार होते हैं, वो उनको स्कैन करना होता है, पढ़ना होता है, फिर एडिटोरियल टॉपिक्स डिसाइड करने होते हैं, फिर वो उस पर एडिटोरियल लिखे जाते हैं, फिर कॉलम आ जाते हैं, फिर कॉलमों का डिसाइड करना होता है कौन सा जाना है कौन सा नहीं जाना, पॉलिसी किसकी ठीक है क्या है ठीक है, फिर अपने 3 दिन मेरा रिपोर्ट कार्ड प्रोग्राम होता है हफ्ते में, एक दिन जियो के साथ की रिकॉर्डिंग होती है, इसके अलावा भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, तो बड़ा बिजी स्केड्यूल है आपका, बिजी स्केड्यूल होता है आपका। तो सर इसमें से फैमिली को किस तरह से आप एडजस्ट करते हैं? फैमिली उसके अलावा बाकी सारा टाइम फैमिली के लिए। अच्छा कितने माशाल्लाह आपके? एक मेरा बेटा है, एक बेटा है बस, तो बहुत टाइम होता है फैमिली के। तो वो भी सहाफत से उनका तल्लुक? नहीं नहीं वो पढ़ रहा है अभी,
अच्छा अभी दूर है मंजिल से थोड़ी सी, तो क्या प्लान है आपका उसके लिए? नहीं, जो मर्जी करेगा, इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है वैसे। तो सर बचपन की जो वक्त गुजरा था अपने गांव में या साइड एरिया में, उसमें और लाहौर में आके थोड़ा सा डिफरेंस तो फील करते होगे आप, जाते हैं जी? आप तो देखें, आप तो यूँ समझे कि सारी ज़िंदगी लाहौर गुजर गई, 30-35 साल हो गए हैं लाहौर में, तो अब तो यही वतन है अपना, यही अपना शहर है, यही अपना वतन है। अब तो अपने असली वतन जाते हैं तो वो गैर मानूस सा लगता है ये मानूस लगता है, क्योंकि इतना यहाँ रहे हैं, इतना यहाँ दिल लग गया है। तो सर फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, थोड़ा सा बताएंगे? फ्यूचर के अब अभी तो बस चल रहा है, कॉलम चल रहे हैं, अपना प्रोग्राम चल रहे हैं, डिस्कशंस चल रही हैं, एनालिसिस चल रहे हैं, अभी तो यही करने का इरादा है, और कोई नई चीज़ तो फिलहाल कोई इरादा नहीं। सर जर्नलिज्म डिजिटलाइज की तरफ चली गई है, डिजिटल हो गई सारी चीज़ें, इससे जो रवायती जर्नलिज्म थी उसके ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा, फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, डेफिनेटली मोड्स चेंज होते, कॉपी पेस्ट ज़्यादा हो गया, मोड्स चेंज होते रहते हैं। पहले किसी ज़माने में रेडियो था, फिर अखबार आए, फिर अखबारों से टीवी आया, फिर टीवी से अब डिजिटल मीडिया आ गया, तो तब्दीली तो आती रहती है मोड के अंदर, लेकिन थर्स्ट फॉर नॉलेज तो मौजूद है। अब भी लोग मोबाइल पे चाहे देखें, नई इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, नई इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि पहले न्यूज़पेपर आता था एक दिन के बाद, सब लोगों को वेट होता था, अब तो जो न्यूज़ है एवरी सेकेंड चेंज होती रहती है, ऐसी है। सुहेल साहब बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेरे डिमांड है व्यूअर्स की, कि सुहेल साहब इश्क के ऊपर कुछ बताएं, कि सुहेल साहब इश्क के मुतल्लिक उनका क्या ख्याल है? बहुत हुआ जी, बहुत इश्क हुआ है कॉलेज टाइम में, कॉलेज टाइम, यूनिवर्सिटी टाइम, उसके बाद भी, लेकिन अब तो रिटायरमेंट ले लिया इश्क से, अब इश्क वगैरह कोई आपका अब नहीं होता, अब कुछ अगर होने भी लगे तो उसको रोकते हैं कि आप उम्र नहीं है, क्या वजह, भाभी का तो उम्र नहीं है, अब उम्र नहीं है, नहीं उम्र तो, लेकिन दिल का उम्र से तो कोई तल्लक नहीं है, नहीं उम्र से तल्लक, ख्यालात से, तखलीक से तल्लक, शर्म आती है, अब शर्म आती है। तो सर जो एक्चुअल एक इश्क जो आप नहीं भूल पाए, वो था कुछ ऐसा? जी वो था यूनिवर्सिटी टाइम्स में, जो पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी में, लेकिन बस वो फिर कामयाब नहीं हुआ, तो वो आज भी आपको किसी जगह पर? जी हाँ, मुलाकात होती है, टेलीफोन पे बातचीत होती तो है, तो दिल में कोई रंजे, कोई ऐसा एक दूसरे को पाने का गम या खोने का? जी खोने का गम तो फिर रहता ही है जिंदगी भर, लेकिन बहरहाल आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, यानी कि आप इश्क पे यकीन रखते हैं? जी यकीन रखते हैं। और सुहेल भाई बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे, चूँकि प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है, ख्वाबों के ऊपर कितना यकीन है आपको? ख्वाबों पे भी बहुत यकीन है, लेकिन ख्वाब कोई मुझे ज़्यादा आते नहीं हैं, बहुत कम ख्वाब आते हैं। ठीक जी नासिर, आप देख रहे हैं सुहेल वराई साहब इतनी मसरूफियत में से मुझे टाइम दे रहे हैं, और बड़ा दिलचस्प आस्ता आस्ता ये हो रहा है इंटरव्यू, तो मुझे एक स्मार्ट सा ब्रेक लेना है, हम मिलते हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। कोई 150 साल पुराना है। अच्छा, ये दरवाज़ा जो है ये एमनाबाद एक जगह है वजीर गुजरांवाला के पास, जी जी, सिख दौर का है ये। ओके, तो वहाँ से ये लिया है हमने, और नानी के ज़माने के बर्तन हैं ये, उस ज़माने में भी ये बर्तन कम ही घरों में होते थे, लेकिन हमारे घर में थे, ये पानदान है, उसके ऊपर नाम भी मेरे नाना का लिखा हुआ है। अच्छा, तो ये सारे तकरीबन, ये भी उनका नाम लिखा हुआ है, मेरे पड़दाना पड़नाना का चौधरी करमदाद, चौधरी करमदाद, ये चौधरी केडी लिखा हुआ है। ठीक है, और सर ये मेरी वालदा का ये चरखा है, ये भी हमारे गांव से आया है, ये मेरी वालदा का ड्रेसिंग टेबल है। ठीक है सर, ये कितनी देर पुराना है सुहेल साहब? ये तकरीबन 150 साल पुराना, 150 साल पुराना है, 125 साल तो होगा। तो सर बड़ी, फिर भी बड़ी अच्छी हालत में है, इसको मेंटेन लकड़ी किया का आपने, लकड़ी का है, अब तो ऐसी दियार और पड़तल की लकड़ी भी नहीं मिलती। जी जी जी, जिस तरह की। अच्छा सर, ये दरवाजे के बारे में बड़ा सुना है, ये दरवाज़ा जी कोई 150 साल पुराना है। अच्छा, ये दरवाज़ा जो है ये एमनाबाद एक जगह है वजीर गुजरांवाला के पास, जी जी, सिख दौर का है ये। ओके, तो वहाँ से ये लिया है हमने, यहाँ लगाया है। सर कोई खास वजह? खास वजह यही पुराना होना इसका, और स्टाइलिश होना। और सर ये खिड़कियाँ सुने कि ये मेरी वालदा की, वालदा की अलमारियाँ थी, जिनको हमने महफूज कर लिया है, ये कबूतर रखे हुए हैं, मोर रखे हुए हैं हमने। तो सर यहाँ पर इंस्पिरेशन लेने के लिए आप आते हैं? यहाँ बैठते हैं सुबह मॉर्निंग में, सुबह मॉर्निंग में या शाम को,
यानी कि जो सुबह का आगाज़ होता है वो इंस्पिरेशन जो आ रही होती है या जो आमद आ रही होती है वो यहीं से आपको जी यहाँ अच्छा लगता है, यहाँ बैठ रहा अच्छा लगता है। और भी सर आपने कुछ रखे हुए हैं पेट्स वगैरह? पेट्स मोर रखे हुए हैं, मोर रखे हुए हैं, मोर रखे हुए हैं, कबूतर रखे हुए हैं। अच्छा, ये शौक में आपकी? चलें सर, ये तो बड़ी अच्छी ज़बरदस्त बात है। और जी वेलकम बैक नाज़रीन, ख्वाबों से तबीर तक के सफ़र में मैं हाज़िर खिदमत हूँ। सुहेल वराई साहब उस्ताद मोहतरम मेरे सामने हैं। आपने देखा भी उनका घर और तरीकी चीज़ें उनकी वालदा की, ये नो डाउट हमारे लिए भी एक असासा हैं, सुहेल साहब भी और इनकी यादें भी, ये सारी चीज़ें। और अल्लाह ताला मेरी दुआ है इनको ज़िंदगी दे, तंदरुस्ती दे, सेहत दे, और इनका साया ना सिर्फ सहाफ़त के ऊपर कायम दायम रहे, क्योंकि इन जैसे अच्छी शोहरत रखने वाले सहाफ़ी इस फील्ड में मैंने बहुत कम देखे हैं। जैसे पर्सनल मैं भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, मेरी कोई इंस्पिरेशन का मैं समझता हूँ कोई गुरु है तो वो सुहेल वराई साहब हैं। सुहेल साहब आपका भी बहुत बहुत सर शुक्रिया, आपने मुझे बहुत यानी कि टाइम दिया। और आज आप हमारे गेस्ट थे मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से, उन्होंने सर आपके लिए स्पेशल एक गिफ्ट भेजा है जो आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आप हमारे साथ थे। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी शायद मियाँ साहब, बड़ा मज़ा आया आपसे मिल के, आपकी बातें सुन के, आपके सवाल सुन के। जज़ाकअल्लाह जी। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम तक के लिए एक नई पर्सनैलिटी के साथ हम मिलेंगे ख्वाबों से तबीयत तक के सफ़र में। मैं अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सकें, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चल अब्बा के पास इतने पैसे? अब्बा आपने घर क्यों बेच दिए? जहां रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए, घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं।